हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी बताने वाला हूँ, जो मैं क्या क्या गलती किया हूँ और क्या मेरा स्ट्रगल रहा, सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, जिससे आप ये गलती ना करें जो मैं किया हूँ। अगर वो आप ना ही करते हैं तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरी गलती से आप सीखें। दोस्तों, ये स्टोरी शेयर मार्केटिंग के स्टार्ट होता है 2019 से, क्योंकि मेरे गांव के जैसे एक बगल में एक गांव है, वहां पे मेरे एक भाई है, भाई जी रहेगा, वो ऐसे रिलेशन में मेरा भाई का दोस्त है, वो ऐसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज चला, तो मैं ऐसे इसके बारे में कुछ जानता नहीं था। मैं इसको कितना दिन बोला कि मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाया, लेकिन सिखाया नहीं। तो मैं फिर यूट्यूब पर सर्च करने लगा कि शेयर मार्केट होता क्या। तो मैं वीडियो देखा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मैं फिर उसको छोड़ दिया। 2021 की बात है, 12 अप्रैल 2021 जब मैं चेन्नई आया जॉब करने के लिए, तो जहां मैं जॉब करता था उसी कंपनी में एक वेंडर है जिसका मैं गाड़ी करता था, जो मैं एज ए ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो वो ट्रेडिंग करता था ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो ऐसे शेयर मार्केट वो बताया नहीं था मुझे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ये बता रहा था कि मैं शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाता हूँ। तो मुझे रियल में बिलीव होने लगी, यार ऐसा कुछ है क्या। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा, तो देख रहा था कि यार सच में इसमें लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं लोग। तो देखे कि ऐसे कुछ कुछ देख बंदा मिनटों में 10,000-20,000 रुपये कमाते हैं। तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा सच में होता है क्या। तो मैं फिर मैं सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो मैं फर्स्ट 500 रुपया मैं टाटा पोर्ट में लगाया था, एक शेयर की दो शेयर लिया था शायद, वो शेयर 20-25 रुपया प्रॉफिट हुआ था, मैं बेच दिया। और वो मुझे इतना नहीं पता था पहले कि ये इसका निकालने का 20 रुपया ब्रोकर लेता है, तो वो मैं माइनस में ही आ गया। फिर मैं थोड़ा बहुत और यूट्यूब पे सर्च किया कैसे बाई सेल करते हैं, तो उसी टाइम एक जोमेटो का IPO आया था, तो उसमें मैं अराउंड 2,000 रुपया लगाया था, क्योंकि उस टाइम मेरा सैलरी खुद 12-13,000 रुपया था, तो मेरे लिए 2,000 बहुत ही कीमती था। तो मैं 2,000 लगा के अराउंड 200-300 रुपये कमा लिया, तो मैं बहुत ही खुश हो गया रियल में। पहले मैं यूट्यूब पर देखता था तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में होता है क्या, लेकिन जब मैं देखा कुछ मिनट में 200-300 रुपये में कमा लिया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार सच में लोग 200-300 रुपये कमाने के लिए भर दिन काम करते हैं, पर डे काम करते हैं फिर भी कमाते हैं, तब 200-300 रुपये, या तो मैं कुछ मिनटों में कमा लिया। तो वैसे मैं कुछ दिन किया ऐसे इक्विटी में, मैं कुछ दिन किया और ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमाया। तो वैसे मेरा बोले थे एक वेंडर थे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, उसने बताया कि यार आप 100-200-300 रुपये से क्या कमा रहे हो, मैं तो एक दिन में 10,000-20,000 कमा रहा हूँ, और रियल में कमाता भी था। तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला कि बोला मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो बोला कि यार कैसे करते बताइए मुझे। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको जब फ़ोन करूँगा, जब मार्केट मैं बाई करूँगा, तो आप कॉल बाई करूँगा, तो मैं जो बोलूँगा आप कर लेना। हम बोले ठीक है। तो मुझे जब मार्केट कल ओपन हुआ तो मुझे बोला बैंक निफ्टी में कुछ था शायद, याद नहीं है, कि आप इतना का कॉल ले लीजिए। तो मैं ले लिया था शायद, दो लॉट लिया था। तो मुझे उस दिन मैं सैलरी भी आया था, वही सैलरी में लगाया था, तो उस दिन मैं 1900 रुपया कमाया था। तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि यार मैं लोग कुत्ते की तरह पूरा मंथली काम करते हैं, तब 10,000-15,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखे यार मिनटों में 2,000-3,000 कमा रहे थे, हम तो वही तो चाह रहे थे। यहाँ पे देखते हैं मैं अपने आप को आप समझ लगे यार मैं तो अब कुछ सालों में करोड़पति बन जाऊँगा, लेकिन ये मेरा सोचना बहुत ही बड़ा गलत था, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज था ही नहीं। मैं क्या किया, मैं फर्स्ट दिन कमाया, तीन दिन चार दिन लगातार कमाया, लेकिन मुझे शेयर फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज था। मैं रेंडा भी CAP ले लेता था,
एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे स्टॉप लॉस के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था, तो मैं इसको बिना बताए हुए ही मैं कॉल ले लिया, तो कुछ 400-500 कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी टाइम मार्केट रिवर्स हो गया और मुझे मेरे सामने में 2,000-3,000-4,000 का लॉस हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम मेरा 2,000-4,000 भी मेरे लिए बहुत कीमती था। फिर मैं स्टॉप लॉस के बारे में जाना कैसे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही लॉस हो गया था। फिर मैं फिर सोचा कि ऐसे क्या करें, तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन फिर भी मैं बार बार गलती कर रहा था। दिन में 5 ट्रेड 10 ट्रेड 15 ट्रेड भी ले लेता था। अगर मुझे 500 रुपये प्रॉफिट हो जाता था, मैं फिर ट्रेड लेता कि यार 500 या 1,000 करेंगे। ऐसे करते करते मैं शाम शाम होते होते मैं 1,000-2,000-3,000 लॉस में ही रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पापा जी लोन के लिए कुछ काम के लिए मुझे पैसा दिया था, बोला था कि ये पैसा तुम घर पे भेज देना, लेकिन मैं क्या किया, वो पैसा घर पे ना भेज के मैं ट्रेडिंग में ही लगा दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लगा दिया। मेरे सामने में 0 हो गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं फिर भी स्टॉप लॉस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत मैं मुझे बाद में पता चला। मैं बार बार कई गलतियाँ किया और सबसे बड़ा मेरा माइंड गलती क्या क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 1 गलती मेरा ये था कि अगर मैं फर्स्ट बार ट्रेड करता था, मैं प्रॉफिट और कमा भी लेता था, तो शाम मेरा 0 ही हो जाता और माइनस में लॉस ही हो जाता था। मेरा फर्स्ट गलती ये था कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार ट्रेडिंग करता था, सबसे बड़ा मेरा गलती था। अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता तो मैं लालच करता था और लालच के चक्कर में मेरा और लॉस हो जाता था। दूसरा गलती मेरा सबसे बड़ा गलती यह था कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, कोई स्टेज नहीं था। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था मैं कॉल ले लेता था, मार्केट नीचे जा रहा था मैं पुट ले लेता था। तीसरा गलती ये था कि मेरे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मुझे आज कितना लॉस करना है। जब हम देखते थे अपने हिसाब से 200-400 प्रॉफिट होता था तो मैं मार्केट से तुरंत एग्जिट हो जाता, लेकिन लॉस में मैं बैठे रहता था। तो ये सबसे मेरा गलती सबसे बड़ा गलती ये था। और चौथा गलती सबसे मेरा ये था कि मेरा जितना कैपिटल रहता था मैं सब एक ही बार लगा देता था। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि जब मेरा अकाउंट अराउंड 4 से 5 या 10 बार अराउंड शायद 0 हो गया होगा, मैं अपने फ्रेंड से लॉस रिकवरी करने के लिए अराउंड 40,000 ले लिया था और मेरा दोस्त दे भी दिया था, और 40,000 को मैं सिर्फ 2 दिन में 0 कर दिया। उस टाइम मैं ऐसे बेंगलोर में मैं था, और मैं इसके आपको ये स्टोरी बहुत लंबा है, मैं फिर भी एक बताना चाहूँगा। मैं ट्रेडिंग के चक्कर में घर तक छोड़ दिया था। स्टोरी ये है कि कुछ ही मंथ या 4 या 5 मंथ पहले की बात है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना था, हमेशा मैं टेंशन में रहता था। मैं घर पे गया, घर पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फैमिली के साथ में रहूँगा तो मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये मेरा डिसीजन सबसे बड़ा गलत था और गलत साबित भी हुआ। मैं बिना फैमिली को बता के मैं बेंगलोर चला गया अपने फ्रेंड के पास, वहाँ पे मैं ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा। लेकिन वहाँ पे हुआ स्टोरी क्या हुआ, मैं फैमिली को बता के गया तो मेरा घर पे सिचुएशन कुछ बहुत बुरा हो गया था। मैं 2 दिन बाद फिर मैं कॉल भी कर दिया कि मैं बेंगलोर में हूँ अपना दोस्त के साथ, आप लोग टेंशन मत लो। तो मेरा फैमिली लोग उस टाइम सही से बात भी नहीं करता था, क्यों मैं गलती भी किया था। मुझे एक ही फोकस था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैं बेंगलोर में गया तो मुझे सोचा कि मैं कन्फ्यूज नहीं रहा कि मैं ट्रेडिंग करूँ या बिजनेस करूँ। तो मेरे पास कुछ पैसा था ट्रेडिंग का ही, तो मैं अराउंड 60-70 हज़ार रुपये था, तो मैं वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। कुछ मैं यहाँ पर टी शॉप कैफ़े खोला, कुछ दिन चला भी, लेकिन मुझे ना ट्रेडिंग में ही इंटरेस्ट था। मुझे लग रहा था कि मैं ट्रेडिंग में ही इंटरेस्ट था, मैं उसको छोड़ के मैं सोचा कि नहीं अब ट्रेडिंग करूँगा। तो फिर मेरा अपना दोस्त, वहीं पे मेरा दोस्त था, वो दोस्त से मैं हेल्प लिया, यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे ट्रेडिंग ही करना, मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो मेरा दोस्त 40,000 रुपया दिया कि लो संदीप 40,000 रुपये लो और तुम उसको से ट्रेडिंग करो। दोस्तों मेरे
40,000 को मैं फर्स्ट दूसरा दिन ट्रेडिंग किया तो 40,000 को मैं 47,000 कर दिया, कुछ ही फंड से किया। लेकिन मैं फिर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, फिर और कमाने के चक्कर में मैं उसी दिन 47,000 को जीरो कर दिया। मैं रोड पे आ गया था, मेरे पास एक रुपया नहीं था, वहाँ पे मेरा फैमिली तक हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, क्यों मैं गलती किया था, सब कुछ छोड़ के मैं भाग गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैं ऑलरेडी, मेरा फ्रेंड 40,000 जो मेरे साथ था वो दिया हुआ था, मैं इसको क्या बोलूँ कि यार मैं तुम्हारा पैसा सब जीरो कर दिया। मेरा आँख से ऐसे आंसू जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर लास्ट में अपने फ्रेंड को बोला, यार ऐसे ऐसे बात है, मुझे यार पैसा, मेरे पास अभी पैसा है नहीं। लेकिन मेरा दोस्त ये बहुत ही सपोर्ट कर रहा था, अभी भी उसी टाइम बोल रहा था कि संजीव तुम जॉब ना करो, तुम ट्रेडिंग करो, मैं तुमको पैसा दूंगा। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, मैं सोचा कि नहीं मैं जॉब करूंगा, फिर से मैं पैसा जमा करूंगा, फिर से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैं एक कंपनी था शायद, मैं डिलीवरी बॉय में फिर काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन काम किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैं वहाँ से आ गया चेन्नई में, जिस कंपनी में पहले काम करता था उसी कंपनी में फिर से ज्वाइन किया, फिर से मैं अपना ट्रेडिंग साथ में स्टार्ट किया। अभी मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छे लेवल पे हूँ, और इस कंपनी में एज ए मैनेजर में हूँ, और मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करता हूँ जॉब के साथ। अब मुझे इन फ्यूचर में फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है। तो दोस्तों मेरा गलती क्या है, या गलती से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नंबर वन कि मेरे पास सबसे मेन गलती ये किया था मैं कि मुझे इक्विटी में ट्रेड ना करके डायरेक्ट ऑप्शन में किया था, ये सबसे बड़ा मिस्टेक था। नंबर टू, अगर ऑप्शन में मुझे करना ही था तो मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं था, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था। नंबर थ्री ये था कि मैं जितना कैपिटल था मैं सब पैसा एक ही में लगा देता था, एक ही ट्रेड में। नंबर फोर था ये कि मेरे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था कि मुझे कितना आज लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है, ये मुझे नहीं पता था। नंबर फाइव में ये था कि मैं लॉस में बैठा रहता था, प्रॉफिट में तुरंत 1,500 होता था, मैं निकल जाता था। नंबर सिक्स ये था कि मैं दिन में ओवर ट्रेडिंग करता था, 10 बार, 5 बार, 15 बार करता था। ये सबसे बड़ा मिस्ट, सबसे बड़ा 99% लोगों का लॉस होने के कारण यही है, और ट्रेडिंग को जुआ समझने के कारण यही है। तो आप कभी ना, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बाय और कहाँ सेल करना है। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ये 5 रूल फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नंबर टू, अगर आप जो कोई भी, जैसे ट्रेडिंग बहुत प्रकार का होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, इंटर ट्रेडिंग होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, तो आप कोई एक चुनिए। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करें। अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तब ऑप्शन में आए। हाँ, अगर ऑप्शन में आते हैं तो कोई एक ही में फोकस कीजिए। जैसे मैं ओनली फॉर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी में नहीं करता हूँ। कोई बंदा ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कर दिया, कभी निफ्टी में ट्रेडिंग किया, कोई बैंक निफ्टी में कर दिया, इसमें आपका है ना, कहीं भी आप घूमते रहोगे आप सीख से ही नहीं पाओगे। किसी एक में ट्रेडिंग करो, उसका मास्टर बन जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो या निफ्टी में करो अच्छे से, या बैंक निफ्टी में करो। आप दोनों, ऐसे नहीं कि आप दोनों जगह प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों जगह किसी एक पर फोकस करेंगे, एक ही चार्ट बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप उस चार्ट को आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप कभी भी दोस्त या किसी से पैसा लेके ना ट्रेडिंग करें, जो मेरा सबसे बड़ा गलती था, मैं दोस्त से लेके ट्रेडिंग किया था। आज मैं ठीक ठाक हूँ और मैं इन फ्यूचर फुल टाइम ट्रेडर ही बनना चाहता हूँ, तो आप ये गलती ना करें। हाँ, पैसा उसी पैसा से आप ट्रेडिंग करें, जो पैसा आपका समझ लीजिए जो फालतू है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसा आपको काम का नहीं है, तो वही पैसा से आप ट्रेडिंग करें। जैसे समझ लीजिए ये पैसा अगर लॉस भी हो जाता, इतना समझ लीजिए पैसा मैं पार्टी में उड़ा दिया। ना लोन लेके कभी गलती से भी ना ट्रेड करें, और सबसे पहले आपको इक्विटी में ट्रेड करें, इसके बाद ऑप्शन में आए धीरे धीरे। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा ट्रेडिंग जर्नी था,
आगे मैं और भी बताने वाला हूँ, ये पार्ट वन है, आगे बहुत ही लंबा स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं गलती किया हूँ वो गलती आप ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।